हाय दोस्तों मैं हूं रहमान एस एम वीग एंड हेयर वीग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हेयर विग प्राइस क्यों डिफरेंट होता है कहीं कहीं जगह से बारह हजार से शुरू होता है कहीं पे पाँच हजार में शुरू होता है कहीं पे पच्चीस हजार भी विग मिल जाता है तो डिफरेंट क्या होता है आपको बारह हजार वाला वीग में भी लुक नेचुरल आएगा और पच्चीस हजार वाला वीग में भी लुक नेचुरल आएगा फिर भी डिफरेंट क्या होता है काफी सारा कस्टमर का ये क्वेश्चन आता है मेरा क्लाइंट ऐसा बोलते बारह हजार में जो लुक नेचुरल आता है तो हम पच्चीस हजार वाला विग क्यों खरीदे दोस्तों ये विग जो होता है अभी मैं आपको कुछ पिछले पुराना दिन का बता देता हूँ पहले क्या होता है विग विग का मतलब क्या होता है फुल हेड कवर करता है जो अपना एक टोपी जैसा होता है पूरा सिर में लगा दिया वो हो गया विग वो पहले का था उस अभी भी है अभी वो हो क्या होता ड्रामा थिएटर में ये सब चलता है आज का डेट में ये बारह बारह पंद्रह साल ऐसा हुआ कि ये पैच आया हेयर में क्या होता है आपका जितना एरिया गैप होता है उस एरिया में पैच लगवाया जाता है और आपका जो नेचुरल बाल है इसका मैच कर दिया जाता है इसका वजह से आपका लुक नेचुरल आ जाता है किसी को सामने से सा मालूम नहीं पड़ता है कि आपने विग लगाया है कि नहीं लगाया पैच लगाया है कि नहीं लगाया आपको जो पहले से जानता है कि आपका सर में बाल नहीं था फिर बाल लगाया उसको तो नेचुरली मालूम होगा कि आपका तो बाल नहीं था अभी आपने बाल डाला तो कहां से कुछ तो कराया कहा जाएंगे सीधे सी क्वेश्चन है बारह हजार में लुक नेचुरल मिल रहा था पच्चीस हजार में क्यों जाए उसमें डिफरेंस ये है कि दस हजार वाला वीक जो होता है ये बाल जो होता है बालों का प्रोसेसिंग किया जाता है बाल उसका सही से केमिकल प्रोसेसिंग किया के जाता है उसका बाद बाल लगाया जाता है जो कैप आता है जस्ट मैं एग्जाम्पल दे दू होता है एक कैप कैप इस का ऊपर बाल किया जाता है एक एक बाल नोटेड होता है इसमें तो नोटेड होने का बाल ये प्रोसेसिंग किया जाता है जैसे कि ये बाल पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है बारह हजार में क्या होता है प्रोसेसिंग थोड़ा लो हो जाता है उसमें क्या होता है लगाओगे आज लगाया कल धीरे 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 इसका बालों में टैंगल आ सकता है बालों में आपका आ, आएगा बालो की कम हो जाएगा वही चीज आप पच्चीस हजार में जाओगे आज जो वीग खरीदे आपने लगा लिया आपका एक डेढ़ दो ढाई साल तीन साल जब भी चले जो आज जो बाल आपने लगाया जब तक आपका पेज का लाइफ है उस लाइफ तक आपका ये पेज पूरा सेम ही रहेगा जो नया में था वो पुराना में भी वो रहेगा लेकिन बारह हजार में क्या होगा वो आपका नहीं रहेगा वो धीरे धीरे बाल तक स्मूथनेस कम होता जाएगा जैसे कि समझ लो दोस्तों जस्ट फॉर आप कोई मोबाइल खरीदते हो आपको पांच हजार में फोन मिल जाता है और पच्चीस हजार में मिल जाता है तो इसमें आपको मालूम कब पड़ता है कि आप यूज करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि दस हजार में और पांच हजार वाला पे आपका मोबाइल में और पच्चीस हजार में क्या दिए? फीचर सारे सिस्टम अलग अलग होता है तभी जाके आपको मालूम पड़ता है हाँ भाई ये पच्चीस इसलिए ये बारह इसलिए तो पेच भी ऐसा ही है कि अब ये खरीदो इसका जो बालों का सिस्टम है स्मूथनेस है और पच्चीस हजार में ये डिफरेंट होता है लेकिन लुक आपका बराबर ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम होता है थोड़ा सा उन्नीस हो जाता है बाकी आपका बालों का क्वालिटी उसका जो बेस होता है उसका जो भी सिस्टम होता है सब कुछ अलग होता है और बारह हजार वाला वीग में क्या होता है वो भी फ्री स्टाइल होता है पच्चीस हजार वाला भी फ्री स्टाइल होता है लेकिन बारह के नीचे जो बीग आता है पैच आता है वो आपका क्या होता है आप सिर्फ क्लिप्स लगा सकते हो और ये बारह हजार का हो या पच्चीस हजार का ये फ्री स्टाइल होता है और इसमें आप टेप से लगा सकते हो क्लिप्स लगा सकते हो या ग्लू भी कर सकते हो लेकिन पांच हजार वाला छह हजार वाला जो पेज आता है उसमें आप सिर्फ क्लिप्स ही लगा सकते हो ये डिफरेंट होता है दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा सब्सक्राइबर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों